आज हम मौजूद हैं श्री किशन चौधरी जी के पास, जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं और काफ़ी सारे कार्यक्रम और समाज सेवाओं के कार्यों में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। एक नया उनका एक मिशन है, एक उन्होंने प्रतिबद्ध एक प्रण लिया है श्री कृष्ण जन्मभूमि के न्यास के लिए और अन्य कारणों के लिए। इसकी प्रेस वार्ता आयोजित है, हम बात करते हैं किशन चौधरी से। जी चौधरी, मैं एक क्या मैं कुंडली यज्ञ करने जा रहा हूँ जी, जिसमें मैं स्वयं नहीं, हमारे सभी ब्रजवासी भाग लेंगे। मेरे ब्रज से प्रत्येक गांव से दो तीन चार लोग आएंगे और ये कमनी कुंडली यज्ञ करेंगे और ऐसा यज्ञ करेंगे, अपने आराध्य लाला से कहेंगे कि हमें आशीर्वाद दें, जिससे कि हमारे लाला की ज़मीन जो मस्जिद में घिर गई है और लाला के लिए जगह नहीं है, उनकी मस्जिद से जगह खाली हो और हमारे लाला को भव्य मंदिर बनाए, इसीलिए ये कमनी कुंडली यज्ञ किया जा रहा है। ये जो मुद्दा है जो श्री कृष्ण जन्मभूमि का, ये काफ़ी वर्षों से सदियों से एक ज्वलंत मुद्दा रहा है, इसका कोई एक निष्कर्ष निराकरण आज तक नहीं निकला है, इसके लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे? इसमें हमारी कई संस्थाएं कोर्ट कचहरी में गई हुई हैं, हाई कोर्ट में भी केस चल रहे हैं और निश्चित ही उसमें कोई ना कोई समाधान निकलेगा। और इसमें हमारे दोनों शीर्ष नेता माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी और माननीय योगी जी दोनों ही वहाँ दर्शन करके गए हैं, कृष्ण लला के, और दर्शन करने के बाद में निश्चित है कि वो इस पर विचार जरूर करेंगे। और कोर्ट कचहरी में भी, क्योंकि हर तरह से हमारे लाला की जगह है, लाला का यहाँ जन्म हुआ है, कोर्ट कचहरी में माननीय न्यायाधीश जो भी बैठे हैं उनको भी पता है कि लाला का जन्म वहाँ हुआ है, तो निश्चित है कि उसमें आदेश हमारे पक्ष में आएगा और हमारे लाला के पक्ष में आएगा और लाला का भव्य मंदिर बनेगा। राम जन्मभूमि का जिस प्रकार निष्पक्ष जांच और सभी कारणों को हो गए, न्यायालय का जो फैसला है, उसमें राम जन्मभूमि का निर्माण प्रारंभ हो चुका है और शीघ्र ही उसका उद्घाटन होगा, तो राम जन्मभूमि का जो जिस तरह से निर्णय आया है उसके परिप्रेक्ष्य में आगे की जो संभावनाएं जताई जा रही हैं कि श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए जो संभावना है निर्णय आई, उसमें आप क्या दृष्टि से देखते हैं इसे? निश्चित ही वो तो बहुत लंबा चल गया था केस, ये इतना लंबा चलने वाला केस नहीं है, और वो तो त्रेतायुग की बातें, ये द्वापर की बातें, वो द्वापर की थी, ये त्रेतायुग की बात है, इसलिए मैं नहीं समझता कि इतना लंबा चलेगा, ये बहुत जल्दी से डिसीजन हो जाएगा इस पर। और डिसीजन होने के बाद में निश्चित हमें लाला के पक्ष में आना है और लाला के पक्ष में आएगा और बहुत जल्दी से भव्य आलीशान मंदिर बनेगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। अब तक डिले हो गया, बहुत सारे कारण थे, हो गया, लेकिन अब हिंदू जाग उठा है अपने लला के लिए, हर स्थिति में ब्रजवासी जाग उठा है, कुछ भी करना पड़े वो करेंगे, लेकिन राम लला का मंदिर बना, सॉरी कृष्ण लला का मंदिर बनाएंगे। अब ये जैसे जन्मभूमि के जो भी जगह होती है, जैसे काशी में हुआ और अयोध्या में हुआ, ASI के सर्वे के माध्यम से जो पुख्ता प्रमाण और जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, अब क्या कहना है कि अगर उसके नीचे खुदाई होती है या जो साक्ष्य एकत्रित किए जाते हैं उसमें निश्चित ही यह होगा कि साक्ष्य मिलेंगे कि ये जन्मभूमि थी? हर स्थिति में साक्ष्य मिलेंगे, यहाँ तो ब्रज की कण कण में भगवान कृष्ण विराजमान है, हमारा कन्हैया हर जगह मिलेगा, कहीं जहाँ खुदाई करेंगे वहीं मिलेगा, तो निश्चित है कहीं से भी किसी भी पैमाने से किसी भी माध्यम से कैसे भी सर्वे करें कैसे भी खुदाई करें वहाँ पर हमारे लाला की कोई ना कोई निशानी निश्चित मिलेगी। आगामी जो 6 दिसंबर को आपका 51 कुंडली यज्ञ होने वाला है महाविद्या मैदान में, जो आपने बताया कि पहले प्रशासन के कुछ कारणों की वजह से वो उस जगह पे स्थित नहीं गए, कार्यक्रम स्थगित करके दूसरी जगह प्रारंभ किया गया, उसके लिए समाज से क्या अपील करेंगे? नहीं, निश्चित ही समाज सब लोग आएंगे। अब 6 दिसंबर को रामलीला मैदान में यज्ञ होगा और हमारा यज्ञ है शांतप्रिय होगा, यज्ञ में तो यज्ञ तो शांतप्रिय होता है, यज्ञ में बलिदान डालने वाले राक्षस होते हैं, ऐसा कोई राक्षस अब मथुरा में है नहीं, तो इसलिए निश्चित ही सारे ब्रजवासी आएंगे और शांतप्रिय यज्ञ करेंगे और यज्ञ करके अपने लाला खुश करेंगे। हमने बात की श्री किशन चौधरी जी से, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिनका आगामी आह्वान है कि 6 दिसंबर को सभी धर्मप्रिय जनता और श्री कृष्ण जन्मभूमि के जो चाहते हैं कि श्री कृष्ण जन्मभूमि को पूर्ण भूमि प्राप्त हो और उसका वर्चस्व जो है पूर्व विद्यमान था वो पुनः स्थापित हो, इसके लिए 6 दिसंबर को 51 कुंडली यज्ञ होने वाला है, जिसमें समस्त जनता से अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में पधार कर इस कुंड में भाग लें और लाभ प्राप्त करें। TV10 न्यूज़ के लिए मैं विकास पाठक।